Thanks to Allah, Ya Allah. Hey guys, Assalamu alaikum, sabal khair, good morning. अभी तो गाइस गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, दोपहर होने वाला है। तो गाइस फिलहाल मैं निकला हूँ हरम शरीफ के लिए, तो इंशाल्लाह हाजी लोग आए हुए हैं, ग्रुप वगैरह आया हुआ हमारा, तो उनसे मिलेंगे। और जोर का टाइम भी होने वाला है, जोर का नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, असर का नमाज़ पढ़ेंगे। हमारे कज़न हैं गुफरान भाई से मिलेंगे, और आप लोग को जो है गाइस हरम शरीफ का मंज़र दिखाऊँगा, कैसा क्या अभी है, कितने लोग हैं, कैसे उमरा करने कितने लोग वगैरह आए हुए हैं, हरम शरीफ का मंज़र दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी एक्टिविटी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बाकी मक्का के होटल्स वगैरह दिखाऊंगा, जो उमरा वगैरह करने आते कहां पर रहते, कैसे क्या होता है, और पॉसिबल होगा तो खाने का भी सिस्टम वगैरह दिखाऊंगा, जो उमरा के लिए खाने का जो बुफे सिस्टम वगैरह लगता है वो सब भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया ब्लॉग, बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं हरम शरीफ मक्का की तरफ, आप लोग को लेके चलता हूँ मस्जिद अल हरम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा। तो गाइस फाइनली आगे पहुंच चुका हूँ हरम शरीफ के अंदर। अभी टाइम जो है 12 ही बज रहा है, अजान हुआ नहीं है, अराउंड 20 मिनट बाकी है गाइस अजान को, जोहर के अजान को। तो चलिए चलेंगे नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, पहले देखते हैं हाजी लोग से मिलेंगे, टाइम है 20 मिनट या तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर मिलेंगे गाइस। अभी जोहर का टाइम हो रहा है माशाल्लाह, लोग उतने नहीं हैं अभी, अभी उतना जहमा नहीं दिख रहा है, खाली दिख रहा है। बाकी अभी जो है धीरे धीरे हरम की तरफ लोग आ रहे हैं। अभी जोहर का टाइम 20 मिनट बाकी है ना, तो लोग होटल से निकल के हरम की तरफ अभी जो है लोग आएंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा हरम शरीफ का शहन दिखाता हूँ, हरम शरीफ का मंजर दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह ये देखिए बंदा सफाई का काम कर रहा है, बहुत ही खुशनसीब बंदा है जिसको जो है हरमैन शरीफैन की सफाई का जॉब वगैरह मिलता है, वो लोग भी बहुत खुशनसीब है, क्योंकि यहाँ पर 5 टाइम यहीं पर रहते, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हरम में जमात के साथ, और काम वगैरह करते, बहुत ही बड़ी सादत की बात है। लोग तो बहुत सारे, आप लोग वीडियोस वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और ख़ास करके हरम का साफ सफाई करने के लिए आते हैं वीज़ा लेके, ताकि जो है शहादत हासिल कर सके, सवाब ले सके, नेकी ले सके। तो चलिए अल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा, इस अभी हरम में हूँ मैं, इंशाल्लाह दुआ करूँगा अल्लाह ताला जो भी वीडियो को देख रहा है अल्लाह ताला सबको जो है हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार जो है मक्का मदीना आने की तौफीक नसीब फरमाए, और आप लोग भी दुआ करना मुझे भी अल्लाह जो है बार बार हरमैन शरीफैन आने की तौफीक नसीब फरमाए, उम्र और हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी देखिए धूप भी है अभी माशाल्लाह से, अच्छा ही धूप है, अच्छा खासा धूप है, बस इतना गर्मी नहीं है पहले कैसा, अभी जो है गर्मी कम हो गया है मक्का में। देखिए इस तरह का जो है पंखे, इससे जो है गाइस पानी का फव्वारा निकल रहा है, मतलब मौसम को ठंडा करने के लिए सारे हरम में सब तरफ लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंखे देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर लगा, देखिए हर जगह पे गाइस आप लोगों को दिख रहे होंगे पंखे, ये हवा के साथ गाइस जो है पानी भी निकल रहा है ठंडा ठंडा, तो एरिया ऐसा लग रहा है बाहर का एरिया है, ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ पर जैसे एसी लगा हुआ है, मतलब बाहर में इतना पावरफुल पंखा है गाइस जो पानी के साथ निकल रहा है, फव्वारे के साथ एरिया को जो है आजू बाजू का एरिया को पूरा ठंडा कर देता है गाइस इंशाल्लाह से। देखिए निज़ाम किस तरह का इंतज़ाम है। बाकी ये बिल्डिंग जो देख रहे गाइस म्यूज़ियम वाली, यहाँ पानी का फव्वारा चल रहा है ऊपर, ये बिल्डिंग के अंदर जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर था, यहाँ पर एक पहाड़ था, जबल था, जबल के ऊपर जो है गाइस सैयदना अबू बकर सिद्दीक का घर था गाइस, ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर में 4th फ्लोर में गाइस। अभी वो जगह पे जो है मस्जिद बना के रखे हुए हैं गाइस, जहाँ पर मस्जिद है वहीं पर गाइस जो है अबू बकर सिद्दीक का घर। तो गाइस अजान भी हो रहा है जोर का, अभी जोर का नमाज़ पढ़ेंगे गाइस, खाना वगैरह खाएंगे, गुफरान भाई भी आ रहे हैं, गुफरान भाई से मिलेंगे, फिर गाइस जो है होटल को आप लोगों को लेके चलूँगा, जो ग्रुप वगैरह है उन लोग से मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग। ये रहा क्लॉक टावर, जमजम टावर,
गाइस नमाज वगैरह हो चुका है फाइनली जोहर का। फिलहाल मैं आ चुका हूँ क्लॉक टावर के बिल्डिंग के अंदर, नीचे अभी ग्राउंड फ्लोर में हूँ। यहाँ पर जो है गुफरान भाई आने वाले हैं, गुफरान भाई से मिलेंगे फिर गाइस आगे का जो भी तरतीब वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे गुफरान भाई है, खैरियत चुके आप लोग। ग्रुप का जो है खाने का सिस्टम क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिटेल में, तो खाने का क्या क्या इंतज़ाम रहता है वैसे यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ से फिलहाल सलाद होगा, अभी दोपहर का टाइम है, हर दिन अलग अलग मेनू रहता है। यहाँ पर सलाद है, फ्रूट्स वगैरह है, बाकी अलग अलग टाइप का आइटम मिलेगा आपको हर दिन। और यहाँ पर देखिए घी राइस पुलाव टाइप का है, दाल है, साथ में रोटी है, ये खिचड़ा है, ये खिचड़ा है गाइस गोश्त के साथ। देखिए बाकी ये कुछ वेजिटेबल है, मिक्स वेज है, और साथ में ये मीठा आइटम है क्या, जर्दा मीठा आइटम है गाइस। तो गाइस जो है हर दिन अलग अलग आइटम मेनू में रहता है, हर दिन का मेनू अलग रहता है। आज जो है थर्सडे है, कल फ्राइडे को जो है बिरयानी मिलता है, तो कल फ्राइडे को जो है चिकन बिरयानी मिलेगा आप लोग को। बाकी अलग अलग दिन अलग अलग मेनू मिलेगा खाने का। देखिए यहाँ पर लोग सारे जो है खाना वगैरह खा रहे हैं, ये सारे उमरा ग्रुप वाले ही है, साथ में हमारे गुफरान भाई भी आए हुए हैं साथ में, और हम लोग दोनों आए हैं खाना वगैरह देखने के लिए। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं होटल से, सारा कुछ कैटरिंग वगैरह फैसिलिटी देख के। बाकी ये पीछे आप लोग को जो बस स्टॉप दिखा है, यहाँ से जो शटल सर्विस वगैरह होता है यहाँ से सारा कुछ होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं इधर क्लॉक टावर की तरफ, अभी दूसरे भी जो हाजी वगैरह आए हैं दूसरे होटल्स में जाएंगे, उन लोग से भी मिलने के लिए। चलिए चलते हैं फिलहाल, तो लोग देखिए किस तरह का सहमा है। अभी लोग हरम से बाहर की तरफ आ रहे हैं, खाना वगैरह हम लोग खा लिए थे वहीं पर गई कैंटीन वगैरह में, जो उमरा वालों के साथ उसके साथ में हम लोग खा लिए थे। चलेंगे दूसरे के साथ, जो दूसरे हाजी वगैरह हम लोग से मिलेंगे। ये देखिए यह है कबूतर चौक, तो गई हम लोग आ चुके हैं अभी हिजरा रोड का कबूतर चौक, दिखाता हूँ आपको। ये रहा देखिए गाइस कबूतर चौक, लोग यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले रहे, फोटोज़ वगैरह ले रहे, बहुत सारे कबूतर है इधर माशाल्लाह। देखिए इधर इधर गाइस एक लाइन का फ़र्क है, ये रोड जो जाता है इसको बोलते हैं गाइस हिजरा रोड। ये अभी मैं रोड पे जो चल रहा हूँ ये हिजरा रोड है, और ये बाजू का सामने वाला ये रोड है गाइस इब्राहिम खलील रोड, बस लग के ही है नाम अलग अलग चेंज हुआ था। और ये पूरे कबूतर चौक पूरे यहाँ से यहाँ तक जो है कबूतर के लिए लोग दाना वगैरह डाल रहे ऑलरेडी माशाल्लाह। देखिए तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गाइस कि दूसरे ग्रुप से हमारे मिलने के लिए होटल पे, साथ में हम लोग गुफरान भाई भी हैं हमारे साथ में, यहाँ पर हरम शरीफ के एकदम सामने रहते हैं क्लॉक टावर में। हमारा जो भी ग्रुप आएगा इंशाल्लाह सारा कुछ गुफरान भाई यहाँ पर देखेंगे, मैं भी हूँ यहाँ, गुफरान भाई भी पूरा नज़दीक में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। हम लोग सारा गाइड वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग का होटल भी जो है नज़दीक एकदम रहेगा हरम के पीछे साइड, अच्छी इंशाल्लाह अच्छे से और जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा जैसे जो ग्रुप आए हैं उनसे मिलेंगे, एकदम हरम के नज़दीक में है हमारे गुफरान भाई जो यहाँ पर खाते हैं। गुफरान भाई बोल रहे होटल जो है एकदम हरम के नज़दीक देंगे आप लोग को, जो वॉकिंग डिस्टेंस में इधर कोई भी अगर एजेड वगैरह बदले आएगा ना तो ईजिली आप हरम में जा सकते हैं, मार्केट वगैरह नज़दीक में है, दुकानें हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना पीना सारा कुछ अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। Ya Allah 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 thanks to Allah ya Allah thanks to you। तो गाइस फाइनली रात का टाइम अभी 8 बजने वाला है गाइस, बहुत सारे हाजी लोग आए हुए हैं, तो बहुत सारे पहचान के भी आए हुए हैं, ग्रुप्स आया हुआ है, तो गाइस मिलना मिलाना में पूरा टाइम ही चला गया आज, कुछ ज़्यादा ब्लॉग शूट कर नहीं पाया गाइस, सारा लोग को हैंडल करना वगैरह मिलना तो पूरा टाइम हो गया। फिलहाल मैं हूँ क्लॉक टावर के ऊपर में गाइस, यहाँ फूड कोर्ट के एरिया में गाइस, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को जो है नीचे का व्यू देता हूँ मस्जिदुल हरम का, इतना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है रात के टाइम में गाइस। तो फिर ब्लॉग का एंडिंग करेंगे, तो टाइम भी 8 बजने वाला है गाइस, लेट हो गया सारा कुछ आज, सुबह से मैं इधर ही हूँ हरम में ही हूँ, सारा कुछ बिजी है। ऊपर से देखिए थोड़ा सा आप लोग को व्यू देता हूँ, ये देखिए गाइस ऊपर से व्यू देखिए, नंबर 79 हरम शरीफ का, थोड़ा आगे से लेके भी आप लोग को जो है व्यू देता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा मंजर मस्जिद हरम का। तो आई होप आप लोग को गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग का एंडिंग कर देते हैं यहाँ पर, वीडियो भी बड़ा हो रहा है और टाइम भी बहुत सारा चला गया हुआ है इधर उधर में। तो
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। दुआ में रखना, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।